हे गाइस, दिस इज़ पिंटू सिंह यादव एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज जो है छठ पूजा है और पूर्वांचल समाज खास करके बिहार वासी लोग जो हैं वो छठ पूजा काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं घर पे हूँ, यानी कि गांव में हूँ और मेरा गाँव है काफ़ी छोटा है। और इस साल में जैसे कि मई के महीने में एक दादाजी थे तो एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से छठ पूजा नहीं मनता है। तो एक परंपरा है कि अगर आपके घर में कोई मर जाता है तो आफ्टर वन ईयर छठ पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। तो जहां पर हम लोगों का छठ होता है वहां पर दूसरे गांव के लोग भी छठ करते हैं। तो अब मैं वहां पर जाता हूँ और आपको वीडियो दिखाऊँगा कैसे लोग छठ करते हैं, क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, पूरा का पूरा एकदम जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर दे रहे एक मिनट खाली कर एक मिनट हो जाओ भाई, एक मिनट पर रोक दे रहे कल। ए जी तेरा मर्द है फेसबुक पर डाल के हो भाजी दोनों जाए तक जा पीछे आराम से एक एक दो दो सेकंड पर पढ़ा जो आराम से हाथ घुमाओ शुरू से आराम से गाना कह दे भाड़ा ले ले आप वीडियो बना कर ना Thank you.
आवे दे अभी ना ये अब चालू कर दे ओ इधर कलर आना था लोग बजोग लाल मैं तो कमाल की नहीं वाला तू तो ये करे के फिर काम है इनके डालर आ वो का तो ये ले खिलाओ डालिस ले ए सरवायो कहू अभी ना भइले कन तू नहीं छे ओए ला उठा ला सब के मन जा गेल रे आज रे छटू आज 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 रे आज आज सर भाई बोले ना रे करवा ए आज पास चले जा लेकिन वो बढ़िया है मेरा चले जाना है पीछे ले बना सको रे लाजो लगा बना घुमा सो गाइज यहाँ पे छठ हो रहा था लेकिन हमारे गांव का छठ नहीं था तो थोड़ा सा मैं वीडियो मतलब बेहतरीन तरीके से नहीं बना पाया। अब सारी महिलाएं जो है वो अब अर्घ जो शाम का अर्घ होता है उसको देकर घर पे जा रही हैं और इसके बाद अब जो है वो सुबह में आएंगी अर्घ देने के लिए। तो सुबह की वीडियो शायद हो सके तो मैं ना बना पाऊँ क्योंकि सुबह इतने जल्दी आ नहीं पाऊँगा, अपने घर का छठ रहा था तो आदमी आ भी सकता था। तो सारी महिलाएं गई हैं और अब मैं दिखाता हूँ कि जहाँ पर छठ पूजा हो रहा है वहाँ पर सीन अब जो है वो कैसा नज़र आ रहा है। तो चलिए वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है वो छठ हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा वेदी बनता है और ये जो गन्ना होता है वो गन्ना साइड में लगा हुआ है। तो ये सारा जो गन्ना है वो आप देख सकते हैं कि साइड में लगा हुआ है और यहाँ पर गन्ना छोड़ के जो है महिलाएं घर पे जाती हैं और फिर सुबह का जो अर्घ होता है वह सुबह में आकर देती हैं। तो इस तरीके के जितने मतलब गन्ने का झुंड लगा हुआ है मतलब उसका है कि उतने लोग यहाँ पर लगभग छठ किए हुए हैं। तो इस तरीके का कुछ नज़ारा जो है वो नज़र आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके का नज़ारा जो है यहाँ पर बनता है और ये जो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर मैंने एक व्यक्ति का ये वेदी है, यहाँ पर उनका सारा सामग्री वगैरह जो है वो रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का नज़र आता है। ओवरऑल जो अगर मैं कहूँ तो इस तरीके का पूरा जो है वो आपको नज़र आएगा और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखेगी। ये पूरा गांव का माहौल है, वो मेरा गांव जो है आपको दिख रहा है वो मेरा गांव है और ये मेन रोड है, इधर से इस गांव की जो महिलाएं हैं वो यहां पर आकर छठ पूजा कर रही थी। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल है और यहां पर आप इस तरीके का इंटरफेस जो है आप देख सकते हैं। तो हो सकता है कि मैं सुबह का वीडियो ना बना पाऊँ क्योंकि सुबह नहीं आ पाऊँगा। तो ये शाम का अर्घ है और शाम के अर्घ में महिलाएँ जो छोड़ कर गई हैं तो इस तरीके का नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही क्योंकि सुबह की वीडियो में बना नहीं पाऊंगा और ये अर्घ का समय था शाम वाला,
शाम वाला जो अर्घ का समय है तो वो यहाँ पर हुआ है और इस तरीके का नज़र आ रहा है। फिर सुबह में यहीं पे महिलाएं आएंगी और जब सूर्योदय होगा तो वहाँ पर उनको अर्घ देकर व्रत तोड़ेगी और फिर फाइनली जो है चार दिन का महापर्व जो छठ वो संपन्न हो जाएगा और उसके बाद अब नए त्यौहार की तैयारी में लोग जुट जाएंगे। तो ये ब्लॉग मतलब मेरे घर का नहीं था, इसलिए मैं आपको कुछ और ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि आप सभी को दिखा सकूं कि कैसे लोग छठ करते हैं और किस तरीके का नज़ारा जो है छठ घाट पर छोटे छोटे गाँव में कस्बों में नज़र आता है। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जुड़िएगा। चलिए धन्यवाद।